साडे जेड़े महापुरुष ना अपू जंदे ने मिलिटेंसी विक्टिम्स की अपॉइंटमेंट आर्डर लेई उंदे घर ते मैं गुजारिश करंग एलजी साहब तुसे हाथ जोड़िए बगैर कुसे मजाक दे सीरियस नोट उपर मैं तुसे रिक्वेस्ट कराना प्लीज इंदे घर आओ इंदी हालत दिखो दीपू दे घरे आले दी हालत दिखो ए मैं रिक्वेस्ट करें जुलकर जी दसो इंदे कोठू दसो ठीक है ए कोठू देखो इंदे महापुरुष जी मेरी गुजारिश है साड़ा जम्मू कश्मीर सरकार दा जेड़ा कानून है SRO 43 उदे साफ लिखे दा है कि जेके मिलिटेंसी दे विक्टिम न उन्हें भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जेकी है वो दित्ती जाई सकती है ते मैं जिन्ने भी खड़पैंच हैं जिन्हें लोकें लीडरी करनी है मैं उन्हें हाथ जोड़ी आखना कि ये मसला लीडरी दा नहीं है असें इंदे गरीबी असें खलोना है थे बस के घर दे इक नफर की पाए वो दीपू दी लाड़ी है पाए दीपू दा भरा है बेशक किसी नहीं लभदा लेकिन कुछ नौकरियां जिंदे च पोस्टां आइडेंटिफाई कीती दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ओ कोई भी जड़ी पोस्ट है कोई क्लास 4 दी जड़ी है इन्हें कोई अफसर तो लगना नहीं बेचारे लेकिन ताके इंदा कोई खान पीन दा सिलसिला चला एलजी साहब मैं और किश नहीं तुसे अज आखंग सिर्फ ये है कि जेकी SRO 43 दे तहत दीपू दे परिवार दा कुसे भी बंदे भाए दे भरा की ए दीपू दी लाड़ी बैठी दी है जेड़ी प्रेगनेंट है फैमिली बेच है इन्हें क्या दिखा बेचारी ने अजे मसा 2.5-3 साल हुए ब्याह हुए थे एल जी साहब तरस खाओ गरीबे उपर इथे आओ इथे थ्याल आओ बिल्कुल शैल सड़क है बिंद हारा कोई 100 मीटर पैदल है मेरी रिक्वेस्ट करना मैं तुसे एल जी साहब आओ इथे इस परिवार को लाओ तुस जंदे हो जगह जगह अस तुहाड़ी इज्जत करने बड़ी लेकिन दीपू दे घर भी आओ ताकि इन्हें लगे कि भाई इंदे घर दा नफर गया कुसे ही कोई फर्क पिया इस देश आसे जान दिती है दीपू ने इस धरती आसे जान दिती है दीपू ने मैं गुजारिश करना तुसे एल जी साहब इस परिवार दा ध्यान रखो इसी अडाप्ट करो और जेका तुसे कंपनसेशन मुआवजा दिता ना एक्स ग्रेशियो भी बड़ा घट है इंदा किश नहीं बनना 4-5 लाख ने इथों दे लोकल लीडर ने RS पठानिया साहब मैं पूरा विश्वास है तुहाड़ा अपना इलाका है तुहाड़े अपने लोग न इंदा लोकें दा ध्यान रखियो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेरे बड़े भरा नो इथों दे MP नो मंत्री नो डॉक्टर साहब मैं तुसे भी हाथ जोड़िए प्रार्थना करना है प्लीज कोई टाइम कड्ढो इंदे गरीबियां से भी आओ इंदे आंसू पहुंचो आइए और अपने गुड ऑफिसेज डॉक्टर साहब यूज करो ताकि कुछ बने दा मेरी इको रिक्वेस्ट है ये पैसे मुकी जांदे 2-4 लाख रुपया कोई नौकरी लाओ क्लास 4 या इहदी लाड़ी दी या इहदे भरा दी मैं फिर तुसे आखा ना कानून च बड़ी गुंजाइश है अगर इहदियां अखां नहीं ना फिर भी कोई नौकरी सी दित्ती जाई सकदी है मैं इहो गल आखां बाकी राजू जी अस तुहाड़े कन्ने आ अस जम्मू दा आए आ स्पेशली ठीक है लेकिन कोशिश करगे साडे कोला जो कानूनी सहायता भी होग ना साडे कन्ने बड़े लोग न अस कल्ले नहीं आ ए नहीं आ कि असें छड़ा अज आना असें दोबारा भी आना तुहाडे कोल तुहाडी गल करनी है ठीक है तुस अपने आप गी कल्ले नहीं समझना ठीक है ते मैं ए साक्षी जी मेरे कन्ने बैठी दी आ रोकर जी मैं चाहना कि दो गल्लां साक्षी जी ए उसे आपकी आंखों के सामने सारा वाकया हुआ आपने बताया मैं सुबह एक वीडियो भी देख रहा था कि किस तरह वो रात को 8:30-9 बजे पानी लेने के लिए क्या मामला क्या था वो रात को ऐसे गए दुकान पे गए थे पानी लाने के लिए गए थे वो कुछ थोड़ी देर पहले उन्होंने खाना ला के उन्होंने टेबल पे रखा अंदर कि मैं पास पानी नहीं है मैं पानी लेके आता हूँ दूध वगैरह लेके आता हूँ पीने के लिए तो वो रात को गए कोई 9 बजे करीब गए दुकान पे दूध लेने के लिए और पानी लेने के लिए गए वहाँ पे वो जब उन्होंने गए आके उन्होंने जाके बोला कि मेरे साथ में कोई बंदे को बताना मेरे साथ में चलो पानी लेने के लिए तो वहाँ से वो कोई नहीं गया उनके साथ में पानी लेने के लिए तो वो जब से वापसी में आने लगे वहाँ से तो गेट के कोई 5 मिनट का रास्ता था वहाँ पे पुल के ऊपर में जब उनको पहली गोलियां वगैरह बची थी उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ आके तो उनको बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं गया था तो मैंने उनकी आवाज पहचान ली थी कि ये इनकी ही आवाज है ये
तो मैं भागते हुए वहाँ पे गई, पर किसी ने कोई हेल्प नहीं की वहाँ पे उनको उठा के, अस्पताल भी नहीं लेके गई थी। जब उनकी डेथ हो गई थी तब उनको अस्पताल में वहाँ पे लेके गए उनको। ये गरीब हैं, ये मुझे मालूम है कि ये इनकी एक डिस्क्वालिफिकेशन है एलजी साहब, इनके लिए बात करने वाला कोई नहीं होगा, मुझे मालूम है। एक दो दिन बयानबाजी चलेगी, उसके बाद कोई इनको पूछने नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दीपू सोल ब्रेड विनर था अपनी फैमिली का, वो अकेला शख्स 8 साल से मजदूरी करके अपने इस परिवार को पाल रहा था। इस चीज को एलजी साहब मद्देनजर रखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब इनकी आंखों के आंसू देखिए, मैं जो इनकी हालत देखी है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल कंसेशन डिजर्व करता है परिवार। मेरी आपसे गुजारिश है, मिनिमम जो है इस परिवार को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दीजिए, ये डिजर्विंग केस है। और क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट इनके घर में एक शख्स का मुलाजिम होना जो है वो बहुत जरूरी है।